हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं ये आप लोगों के लिए 8th क्लास का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 लेके आया हूँ, जिसकी आपकी एक्सरसाइज नंबर है 3.3। तो देखो भाई, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। हमारे को ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, है ना, ये जो ब्लैंक्स दिए हैं इनको फिल करना है, और साथ ही ये भी बताना है कि भाई कौन सा प्रॉपर्टी, है ना, डेफिनेशन या कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। देखो, सबसे पहले पैरेललोग्राम देखते हैं। तो पैरेललोग्राम के लिए पहले आता क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, अब देखो क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल की जो अपने बात करेंगे तो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखो भाई, अपने बात करते हैं किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर, क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर क्लोज्ड बाई फोर साइड्स, है ना। क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर हैविंग फोर साइड, क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स, है ना। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर प्लेन क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स। क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन प्लेन क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स। क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स। गॉट इट? चलिए भाई, तो अपने देखते हैं इसमें AD इक्वल्स टू, देखो भाई ये है ABCD, ABCD, है ना। इसमें अपने को देखना है कि AD इक्वल्स टू दिस साइड, AD किसकी इक्वल होगी भाई आपके। अच्छा हाँ, अभी तो मैंने क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन बताई आप लोगों को। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सो दैट आई विल बी एबल टू टीच यू अबाउट what is parallelogram, origin of parallelogram, types of quadrilateral, types of quadrilateral, first one is parallelogram. We will start with parallelogram. First one is parallelogram. Second one is rhombus. Third one is parallelogram, second one is rhombus, third one is rectangle, and fourth one is square, and fifth one is trapezium.
क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ फाइव टाइप्स. फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम, सेकंड वन इज रोम्बस, थर्ड वन इज रेक्टेंगल, फोर्थ वन इज स्क्वायर, एंड फिफ्थ वन इज ट्रेपेजियम. फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम, सेकंड वन इज रोम्बस, थर्ड वन इज रेक्टेंगल, फोर्थ वन इज स्क्वायर, एंड फिफ्थ वन इज ट्रेपेजियम. सो आई एम जस्ट वंस मोर आई एम ट्राइंग फर्स्ट टू टीच यू. फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम, सेकंड वन इज रोम्बस, थर्ड वन इज रेक्टेंगल, फोर्थ वन इज स्क्वायर, एंड फिफ्थ वन इज ट्रेपेजियम. फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम, सेकंड वन इज रोम्बस, थर्ड वन इज रेक्टेंगल, फोर्थ वन इज स्क्वायर, एंड फिफ्थ वन इज ट्रेपेजियम. सो व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अ फिगर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ऑल्सो, then the figure is called parallelogram. Second one is rhombus. In rhombus we are having all sides equal, and in rectangle, rectangle is a figure. A parallelogram is called rectangle when all angles are of 90 degrees. A parallelogram is called rectangle when all angles are of 90 degrees. Square, a rhombus is a square if all angles are of 90 degrees. Trapezium, we all know very well our square has four sides. Every figure in these five all have four sides because all are quadrilateral. But when one pair of opposite sides is parallel and another pair of opposite sides is not parallel, then the quadrilateral is called trapezium. देखो भैया, अब हिंदी में बता दे रहा हूँ मैं आपके एक एक बार. पैरेललोग्राम वो है जिसमें नाम से क्लियरली पता चल रहा है ना आपको, as the name is indicating, parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are equal and parallel. Rhombus is a quadrilateral whose all sides are equal. Rectangle is a quadrilateral whose opposite sides are equal and parallel. Square is a parallelogram whose all sides are equal, and all angles in these figures, all angles are also equal, and diagonals are also equal. These lines are called diagonals. Lines meeting opposite vertices are called diagonals. Diagonals are also equal in rectangle and square. And last one is trapezium. One pair of sides is parallel and another pair of sides is not parallel, then the rectangle is called trapezium. Got it? Next, our question number first. AD equals to, by definition, we know very well that opposite sides of a quadrilateral are equal. देखो भाई, डेफिनेशन से, इसकी परिभाषा से हमारे को क्लियरली मालूम है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो ए बी किसके इक्वल होगी, सी डी के. ए डी किसके इक्वल होगी, बी सी के. ए डी इक्वल होगी बी सी के, ए बी इक्वल होगी सी डी के. ठीक, तो अपने यहाँ पे देखते हैं ए डी किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी के, है ना. तो मैं यहाँ बी सी लिखे दे रहा हूँ, और चूंकि रूल और पूछा है तो मैं रूल और लिखे दे रहा हूँ, है ना. इससे लिखे दे रहा हूँ, रूल है आपके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. नेक्स्ट वन इज सेकंड वन, एंगल डी सी बी इक्वल्स टू, एंगल डी सी बी, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी. और रूल क्या लग रहा है भाई इसमें, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. रूल लग रहा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. गॉट इट. नेक्स्ट वन इज थर्ड, ओ सी इक्वल्स टू. देखो भाई, ये डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी, एंड इन आ
रेक्टेंग इन अ पैरेललोग्राम वी ऑल नो डायगनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, भाई दोनों के दोनों डायगनल एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ओ सी किसके इक्वल हो जाएगी, जब ये इक्वल पार्ट्स हैं, जब ये यहाँ मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है ये ए सी का, तो ओ सी इक्वल हो जाएगा ओ ए के। तो यहाँ पे मैं ओ सी इक्वल टू किसके लिख दे रहा हूँ, ओ ए, ओ ए, और रीज़न क्या हो जाएगा, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। Diagonals bisect each other. Each other. Diagonals bisect each other. Next one is fourth one. Measurement of M का मतलब measurement है, measurement मतलब माप। तो measurement of DAB plus measurement of CDA. मेजरमेंट ऑफ डी ए बी, डी ए बी दिस वन, प्लस मेजरमेंट ऑफ सी डी ए, सी डी ए दिस वन, इन दोनों का मेजरमेंट का एडिशन क्या रहेगा। तो वही देखो, अपने पता है ना कि इन दोनों का मेजरमेंट का एडिशन 180 रहेगा। क्यों रहेगा 180, क्योंकि ये क्या है आपके, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एज वी नो वेरी वेल, ए बी इज पैरेलल विद सी डी, हमें पता है ए बी और सी डी पैरेलल है, और ये डी ए ट्रांसवर्सल लाइन है, और हमें शुरू से ही 7th क्लास में सिखाया गया है हमारे को कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो वो जो इंटरनल एंगल बनते हैं एक साइड के, उनका सम क्या होता है 180, यानी इंटरनल एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180, तो ये 180 हो गया है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, गॉट इट। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज सेकंड क्वेश्चन, एंड आई एम गोइंग टू रब दिस, यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट और राइट दिस ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड दिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट, आफ्टर रबिंग दिस आई विल नोट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, कंसीडर द फॉलोइंग consider the following parallelograms consider the following parallelograms find the value of unknowns find the value of unknowns x y z x, y, z अननोन है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आर फर्स्ट वन इज, this is our vertex A, this is B, that's C, and in the end this is D. Now this is 100 degree, that's X, this is Y, and this is Z, okay. Now
कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड. सो आर फर्स्ट वन इज, एज वी नो वेरी वेल, इन आर फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट दिस एक्स वाई एंड जेड एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम. कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स बिकॉज ऑल फिगर्स आर पैरेललोग्राम. हमें दिया हुआ है ना, जितने भी फिगर दिए हुए हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उनमें सभी पैरेललोग्राम बना हुआ है. तो ये पहला पैरेललोग्राम है, इसमें ये एंगल 100 डिग्री है, इसका मेजरमेंट एक्स है, ये वाई है, ये जेड है. हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई ये अपोजिट एंगल्स हैं एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन आर वाई इक्वल्स टू 100 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. फर्स्ट वन, फर्स्ट रूल. सेकेंड वन इज, दीज टू एंगल्स एक्स एंड 100 आर इंटरनल एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन. भाई ये दोनों जो एंगल है ये ट्रांसवर्सल है. देखो भाई ए बी सी डी के पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है ना. तो ये जो लाइन होगी ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी और ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में इंटरनल एंगल्स हैं. तो इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री है ना. एक्स डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना. यहाँ रीजन देंगे बिकॉज बोथ एंगल्स आर ऑन द सेम साइड, आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन. बिकॉज बोथ एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन. नेक्स्ट वन इज थर्ड. नाउ लिसन, थर्ड आई एम नॉट स्पेसिफाइंग इट एज थर्ड, वी विल ओनली राइट इट जेड. ओके सो एक्स इक्वल्स टू 180, जब ये दूसरी साइड में ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का. तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 80 डिग्री एंड एक्स एंड जेड आर अपोजिट एंगल्स, देन जेड विल बी इक्वल्स टू एक्स. एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री, देन जेड विल आल्सो बी 80 डिग्री. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम ग्राम आर इक्वल. ओके नाउ आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट पार्ट. दैट इज पार्ट नंबर सेकेंड. यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट प्रॉपरली. नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन. इन आर सेकेंड पार्ट वी आर गिवेन दिस वन इज आर पैरेललोग्राम, दिस इज 50
दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दैट्स जेड. देखो भाई ये इस एंगल के अपोजिट एंगल है ना, तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री. अब देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, तो जब एक लाइन पे बने हुए एंगल्स होते हैं तो उनका सेम 180 होता है. तो z इक्वल्स टू क्या रह जाएगा आपका, 180 माइनस 50. 180 में से 50 को सेपरेट कर दो, z आ जाएगा. तो दिस इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. नाउ वी विल टॉक अबाउट y एंड x. तो भाई देखो ये दोनों पैरेलल लाइन से, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा. तो x निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, x इक्वल्स टू हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 50. दिस इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. ओके, और x इज 130 डिग्री, और जितना x होगा उतना ही y होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं. तो y इक्वल्स टू भी हो गया आपका 130 डिग्री. सारे एंगल्स निकाले जा चुके हैं 5 सेकेंड में. आप लोग उनसे देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो नीचे दिया हुआ. नेक्स्ट वन इज थर्ड वन. This is y, this is x, this angle is of 30 degree, this is z, this is 90. x, y, z यहाँ भी अपने आपको फाइंड आउट करना है. इन दिस फिगर वी आर सीइंग x, y एंड 30. These three are internal angles of this triangle, this one. Okay. So here sum of internal angles or interior angles. Internal is best. Sum of internal angles of a triangle equals to 180 degree. Now our first one is x plus second one is y plus third one is 30 degree, and this is equals to 180 degree. Now x plus y equals to 30 को उधर ट्रांसफर करेंगे, वी विल गेट 180 माइनस 30. हैंस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 150 डिग्री. नाउ वी विल टॉक अबाउट जेड. अब हम बात करेंगे किसकी, जेड की. देखो भाई हमारे क्लियर है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू अभी देखो अलग अलग थोड़े आए, ये तो सम आया है ना एक्स प्लस वाई का. इस सम को मैं अलग अलग कर सेपरेट करूँगा और x और y की वैल्यू सेपरेटली फाइंड आउट करूँगा. ठीक, देखो दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, हैंस दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, एंड दिस साइन इज शोइंग अस दैट मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड इफ मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, देन आर x इज ऑल्सो 90 डिग्री. X equals to 90 degree. Putting this value of x plus y, 90 plus y equals to 150,
देन आर वाई इक्वल्स टू 150 माइनस 90 और y इक्वल्स टू 150 माइनस 90 दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री फ्रॉम वन वी विल पुट फ्रॉम वन ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर जेड वैल्यू ऑफ आर जेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आर वाई और इफ वी विल कंटिन्यू देन वी आर एबल टू सी दिस एंगल इज 30 डिग्री दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री हैंस आर जेड इज इक्वल्स टू वाई देन जेड इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 60 डिग्री आई होप यू गॉट इट इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन मेक अ कमेंट ओके This is fourth part in which we have to find out the value of x, y and z. Now here we are seeing these two lines are parallel and this is a transversal. देखो भाई ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो हमें पता है ये दोनों कैसे corresponding angles हैं corresponding angles. Hence, value of our z is 80 degree because corresponding angles are always equal. Okay. Now, these two angles are opposite angles. Since opposite angles are equal, hence our y equals to 80 degree. Now we will go towards our x. Here we are seeing our x is equals to 180 minus 80 degree or 180 minus y. X degree equals to 180 because x and y are angles made on one side of transversal. Hence our x degree equals to 180 minus y degree hence 180 minus y is 80 hence our x is 100 degree got it x y and let's move towards our z which is 80 this one now we are able to find out all the values where x is 100 y is 80 and z is also 80 good let's move towards our part number 5th and which is now here we are seeing this angle is equal to this angle because this is a parallelogram and opposite angles of parallelogram are also always equal hence y equals to 112 degree bhai opposite angles equal to parallelogram mein to y 112 ho jayega theek ab aage dekhenge apan x equals to kiske hoga z ke x equals to z and here we are seeing x is also equals to z and this angle is 40 then this is also 40 now we can say z plus 40 plus 112 equals to 180 then z plus 251 equals to 180 then our z equals to 180 minus 112 this is equals to 10 mein se 2 ko subtract kiya 8 7 mein se 5 gaya to 2 28 degree ho gaya z aur z 28 degree ho gaya to x bhi 28 degree ho gaya so value of y is 112 value of x and z is 28 degree Okay everyone, all the rest questions of this exercise we will do in our next video. So till then, take care, stay home and very good afternoon.